तो दोस्तों, नेशनल एलुमिनियम यानी कि नैलको ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली क्रॉस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में 3178 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने, पिछले साल 3491 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 3043 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 4% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 2755 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3312 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2837 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 4% आपको गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4% के आसपास ज़्यादा आपको देखने को मिले, जो कि यहाँ पर निगेटिव है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 333 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 125 करोड़, अभी देखें तो 187 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। EPS की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 1.82, पिछले साल 0.68, अभी देखें तो 1.02 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करें तो देखिए, रेवेन्यू वाइज कंपनी ने थोड़े से निराश किया है, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, और कंपनी थोड़ी सी प्रॉफिट में आपको साल दर साल देखने को मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को साल दर साल थोड़े से एक्सपेंस कम हुए, इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है ज़्यादा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।